ये आ गया, ये माशाल्लाह। बस इनको टच भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये बराबर दूसरे दो दूसरे बाजू के नए हैं, जिसको पता नहीं है कि डीएनए कैसे करवाता है, ठीक है। ये इसमें डल गया कम्प्लीट, ठीक है, हो गया। और ये ऑनर नाम, ठीक है, अब ओनर का नाम लिखेंगे, सही है। ये ऑनर नाम, ठीक है, ये मेरा नाम तो ये टी एवरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने बर्ड की डीएनए कैसे करवाते हैं और किसी तरह कैसे उसकी फीदर्स निकाल के उसके जो ना उसके बॉक्स में डालेंगे, जो शापर बॉक्स होता है। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो ना सीखने को मिलेगा डीएनए के मुतालिक। तो ये क्यों करवाते हैं हम डीएनए? ये डीएनए इस वजह से करवाते हैं कि मेल फीमेल जो ना उसका ऐसे पता नहीं चलता कि डीएनए का, ये डीएनए करवाते हैं तो उसका जो ना मेल फीमेल का कन्फर्म पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। बाजू का ऐसा होता है कि फीमेल का पेयर लग जाता है जो डीएनए जिसका नहीं होता है, तो फिर जो ना अपना हमारा जो ना एक साल ज़ाया हो जाता है ब्रीडिंग सीजन के। मतलब ये इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। चलिए तो भाई कार्रवाई शुरू करते हैं और हमें दिखाएं यार ये। जी रुजान भाई ये बर्ड है माशाल्लाह। हम अपना जो ना अल्पाइन और रेटाइस का अपना बर्ड पकड़ेंगे, तो ये जो जिसके जो ना फेदर्स निकालने हैं। सही, ये आ गया, ये माशाल्लाह। अब इनको जो ना, सही है, अब फेदर्स जो निकालने हैं हमें। सही है, यहाँ उसको पकड़ो, पकड़ो इसको, इसे जो फीदर्स है ना। हाँ, बस इनको टच भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये बर्ड के फीदर निकल गए। हाँ। अब इसमें डालेंगे, अब जो है ना यहाँ के फीदर निकालेंगे दो, एक पर के दूसरे दो दूसरे बाजू के, ये हो गए, ठीक है। सही है, इनको आप खोलेंगे, ठीक है। ये इसमें डल गए, डल गए, ये बस चार हो गए। आप ये तेल के भी दो जो है ना खींच के आप इसमें डाल दें, ये तो छह हो गए। अब एक बर्ड के इतने ज्यादा फीदर आप निकाल रहे हो, बिल्कुल जो है ना कभी मिस भी हो जाता है ना फीदर, तो इस वजह से जो है ना ये काफी है। सही है, रिंग नंबर बर्ड के लिखेंगे, जो ना बर्ड का रिंग नंबर लिखना है। हाँ रुजवान भाई, अब इस बर्ड की जो रिंग नंबर है ये 09, ठीक है। अच्छा, अब रिंग नंबर लिखेंगे 09, हो गया 09 बर्ड हो गया, मतलब 9 नंबर है, 0 कंप्लीट हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि इनका डीएनए निकल गया। सही है, इस बर्ड को हम आप सारे बर्ड के साथ डालेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये बर्ड की जो ना रिंग नंबर लिखा हुआ है, ये इस बर्ड की जो ना रिंग फेदर्स निकल गए हैं। बस ये कंप्लीट हो गया इसका डीएनए, ठीक है, फेदर निकल गए। सही है, और दूसरे जो ना सबके मैंने जो ना नाम लिखे हैं, सबके नाम लिखे हैं, सिर्फ रिंग नंबर नहीं लिखा है। मैं ये रिंग नंबर लिख के और जो है ना सारे फीदर्स निकालूंगा, फिर इंशाल्लाह ये टीसीएस करवा के मैं अपने जो है ना डीएनए के लिए भेजूंगा अपनी लैब में, ठीक है ना। सही है, तो अब जितने भी बर्ड्स आपके रहते हैं सारे के सारे आपने रेडी कर लिए? बिल्कुल, मैंने ये शापर रेडी कर दी है जी, ठीक है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह इनकी डीएनए बस है सैंपल निकालूंगा, ये सारा इंशाल्लाह भेज दूंगा। चले ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमने देखा तोहिद भाई किस तरह से जो है वो डीएनए का सिस्टम जो भी होता है बर्ड्स का, तो बाकी जो जब इनकी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो तोहिद भाई कहते हैं कि भाई व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।